अच्छा जी, ओके। सो आर नेक्स्ट यूनिट इज 3.5 फॉर्म्स। अच्छा, इसमें मैं आई वोंट टॉक अबाउट व्हाट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे प्राइमरी सेक्टर होता है, उसमें जो इंडस्ट्रीज होती है उनको प्राइमरी इंडस्ट्री बोलती हैं। इसी तरह सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जैसे सेकेंडरी सेक्टर होता है तो वहां जो इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती हैं वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, और इसी तरह टर्शरी इंडस्ट्रीज भी होती हैं। तो ये तो आपने बिजनेस में भी पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन दैट। वो आप रीड करके खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सट्रक्शन है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके नीचे टर्शरी में प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है। तो एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं। मेथड्स टू मेजर एंड कंपेयर द साइज ऑफ द फर्म्स। मैं जरा इसको एनलार्ज कर लेता हूँ। ये अब उसमें सबसे पहले अगर आपने फर्म्स के साइज को मेजर करना है और फिर तभी कंपेयर करते हैं, तो पहला जो मेथड है वो है नंबर ऑफ वर्कर्स। और ये हमने शायद, अच्छा, तरह नंबर ऑफ वर्कर्स में वो ये मेथड कहता है कि जिस बिजनेस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहे हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लार्ज बिजनेस। मतलब ये मेथड ये क्या है कि जिस बिजनेस में एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहे हैं वो बिजनेस ज्यादा बड़ा है, लेकिन इस मेथड में एक फ्लॉ है, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस तो शायद वो कहीं ज्यादा आउटपुट बना रहा होगा दूसरे बिजनेस से जो कि लेबर इंटेंसिव है, लेकिन ये बिजनेस स्मॉल कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि अगर एक बिजनेस बड़े स्केल पे प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट ज्यादा जनरेट कर रहा है, तो वो बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन इस मेथड के मुताबिक तो वो छोटा हो जाएगा। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना? यस सर। ओके। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देख लें, कि ये भी डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड कैसे है। मतलब क्या उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और ब्रांचेस मौजूद हैं। मतलब अगर आप ये देखो कि एक बिजनेस है जिसके, हमने बिजनेस में पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, कि देर आर सो मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, देर आर सेपरेट डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर। तो इट मींस कि बिजनेस साइज इज बिग, दैट इज व्हाई दे रिक्वायर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हु कैन प्लान अबाउट देयर ओन फंक्शन, जैसे कि मार्केटिंग है या एचआर है फॉर द बिजनेस। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा होने का मतलब भी यही है कि देर आर लॉट्स ऑफ पीपल वर्किंग, और इसलिए लेवल्स भी हैं, और उनकी ब्रांचेज या फैक्ट्रीज भी अगर ज्यादा है, तो ये ऑर्गेनाइज द वे इट इज ऑर्गेनाइज, तो आप उसी वक्त अंदाजा लगा लेते हैं। अच्छा, दिस बिजनेस हैज एक्सपेंडेड टू दैट एक्सटेंट कि इट इज बींग ऑपरेटेड थ्रू मेनी फैक्ट्रीज और मेनी ब्रांचेज, इट हैज सो मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हम उस बिजनेस को लार्ज कंसिडर करते हैं। और एक बिजनेस जो कि स्मॉल स्केल पे होता है उसको नॉर्मली शायद एक ही डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट का होता है वही एचआर को भी डील कर रहा है, मार्केटिंग को भी, फाइनेंस को भी, तो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट वहां नहीं होते, एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत कम होते हैं क्योंकि देर आर फ्यूर पीपल वर्किंग, और एक ही बंदा मैनेजर है जो कि तमाम वर्कर्स को डायरेक्टली देख रहा है। देर आर नो मिडल लेवल मैनेजर और लोअर लेवल मैनेजर, वही जो है वो उसको देख रहा है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, लेट से आई टॉक अबाउट अ स्मॉल शॉप, तो वहां जो ओनर है या जो मैनेजर है दैट इज द ओनली पर्सन हु विल बी मैनेजिंग द होल शॉप, और शायद उसने एक आधा लड़का रखा होगा जो कि उसको हेल्प आउट कर रहा होगा व्हेन कस्टमर्स विजिट द शॉप। तो उसमें लेवल तो मैनेजमेंट भी एक या दो, मैक्सिमम दो ही हो गए, एक वो एक नीचे लड़का है, बट दैट इज इट। और उसमें आपकी एक ही शॉप है छोटी सी, और उसमें वही फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, कोई बैनर लगाना है बाहर शॉप के, मार्केटिंग के लिए कोई लड़का हायर करना है दुकान के लिए, वो भी वही कर रहा है। तो उसमें उस तरह से स्पेशलाइज डिपार्टमेंट्स जो है ना, स्पेशलाइज इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स नहीं होते, तो पता चल रहा है कि ये ऑर्गेनाइज इस तरह हुआ हुआ है कि ये छोटा छोटे लेवल का बिजनेस ही होगा। समझ आ गई ना बात की? जी सर। इसीलिए जब कोई मल्टीनेशनल बिजनेस होता है या कोई पब्लिक सेक्टर बिजनेस होता है जो कि लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं, तो उनके यहाँ स्पेशलाइज डिपार्टमेंट्स होते हैं और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी ज्यादा होते हैं, और ऑफ कोर्स उनकी ब्रांचेस भी बहुत एरियाज में एक्सटेंड हुई होती है। अच्छा, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ गया, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है ये भी आपने बिजनेस में पढ़ा हुआ है।
क्या मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का? बिजनेस में पढ़ा हुआ है लेकिन देयर इज अ डिफरेंस. कैपिटल का वर्ड बिजनेस और इकोनॉमिक्स में, या आप कह लो बिजनेस और अकाउंटिंग में फर्क है और इकोनॉमिक्स में फर्क है. क्या फर्क है? सर बिजनेस में वो मनी इंक्लूडेड होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मनी इंक्लूडेड नहीं होता। वेरी गुड, बिल्कुल सही है. तो इकोनॉमिक्स में फिर क्या इंक्लूड होता है कैपिटल? सर मशीनरी इक्विपमेंट। जी, ऑल मैन मेड आइटम विच हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. बिल्कुल सही आपने कहा. वो बिल्डिंग हो सकती है, वो इक्विपमेंट हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई टूल्स है, जो भी है, तो वो कैपिटल उसी में आ रहा. तो अब वो कह रहे हैं कि एक बिजनेस जो ज्यादा, जिसने ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल यूज इन द बिजनेस, जो जिसका कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है उसको कंसिडर किया जाएगा बड़ा बिजनेस अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, और जिसका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कम है उसको छोटा बिजनेस कंसिडर किया जाएगा. आप इस मेथड में भी एक फ्लॉ है, और वो क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट से देर आर टू डॉक्टर्स हु आर एक्चुअली रनिंग देयर क्लिनिक्स इन द इवनिंग, प्राइवेट क्लिनिक्स इन द इवनिंग. एक है ENT स्पेशलिस्ट एंड द अदर इज अटेंटिस्ट. बोथ आर स्पेशलाइज इन देयर जॉब्स. अब मुझे आप ये बताओ कि ENT स्पेशलिस्ट के पास ज्यादा पेशेंट्स आते हैं या डेंटिस्ट के पास ऑन रेगुलर बेसिस? सर डेंटिस्ट अच्छा, आप डेंटिस्ट में गई हो कभी? जी सर, वो रेगुलर चेकअप्स तो होते ही हैं। हाँ, तो मैं खुद जा रहा हूँ आजकल, तो वो तो दिमाग खराब कर देते हैं बुला बुला के. खैर, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ रेगुलर चेकअप्स होते हैं लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होते हैं. हर बंदा डेंटिस्ट पे नहीं जाता. व्हाई? बिकॉज इफ यू हैव एनी इश्यू इन योर टीथ लेट से, तो इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग इशू एंड यू नो दैट इट इज, द ट्रीटमेंट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. है कि नहीं? है ना? जी सर, हाँ, तो मैं अब जैसे अब मैं डॉक्टर पे गया हूँ, ब्रेसेस उसने लगा दिए, 1.5 लाख रुपए ले लिए मेरे. तो अभी 1.5 लाख रुपए ENT लेता है वो, तो क्या करता है पहले आप जाते हैं, जब वो ये करता है, चलो बेटा मुंह खोलो, मुंह पे मुंह के अंदर टॉर्च डाली, चलो जी गला खराब है, ये लो दवाई, चलो जाओ, खत्म कहानी. तो लेकिन बाज़ ऐसा होता है, पर्टिकुलरली जब सीजन जा रहा होता है या आ रहा होता है, तो बहुत ज्यादा लोगों को ये फ्लू वगैरह और ये इश्यूज हो जाते हैं. आजकल भी ऐसे ही फैला हुआ है. तो वो फिर नंबर ऑफ पेशेंट, चूंकि ये कॉमन डिजीज है और लोगों को प्रॉब्लम होता है इसमें, और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है इसका ट्रीटमेंट, दवाई लेनी होती है, तो ज्यादा पेशेंट्स ENT के होते हैं कंपेयर टू डेंटिस्ट. हाँ, इलाज महंगा डेंटिस्ट का होता है. तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो ज्यादा कस्टमर्स को डील कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स ENT. तो उसका बिजनेस देखे कहेंगे बड़ा होगा, क्योंकि वो ट्रीट ज्यादा पेशेंट्स को कर रहा है. बट नाउ इफ यू कंसिडर, इफ यू हैव एवर विजिटेड अ डेंटिस्ट, जो आप कह रही हो आपने किया भी है, तो उसकी एक चेयर होती है बड़ी मैजिकल सी, और उसमें डिफरेंट टूल्स मौजूद होते हैं, और उसी को वो यूज करता रहता है एंड मेक दैट पेशेंट लाए ऑन दैट चेयर, और फिर वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता है. ऐसे ही होता है ना? जी सर। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ, वो चेयर बहुत महंगी आती है. अब डिस्पाइट द फैक्ट कि डेंटिस्ट कम पेशेंट्स डील करता है, लेकिन उसका कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है कंपेयर टू एन ENT, जिसके पास एक टॉर्च होगी या एक स्टेथोस्कोप होगा और दैट इज इट, और क्या करना उसको. तो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, लेकिन ENT एक बड़ा क्लिनिक रन कर रहा है इफ वी कंसिडर द नंबर ऑफ कस्टमर्स. लेकिन इस मेथड के मुताबिक ENT को ज्यादा बड़ा बिजनेस माना जाएगा, विच इज रॉन्ग टू से. समझ आ रही बात? यस सर। मैंने क्या ऑर्डिनरी सी एग्जांपल देके समझाती है ताकि आपको पता हो कि इसमें एक फ्लॉ है. अच्छा, जस्ट अ मिनट. जी सकीना. अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं मार्केट शेयर की. मार्केट शेयर से भी आप वाकिफ ही हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्या हम इसको अगर आप डिफाइन करें. वैसे तो बिजनेस में होता है ये, तो हम क्या कहते हैं जी, परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्केट सेल्स हेल्ड बाय अ पर्टिकुलर बिजनेस, कि जो मार्केट में जितनी भी सेल्स हो रही है उसमें से एक बिजनेस की कितनी सेल्स हो रही है इन परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्केट सेल्स. तो ऑफ कोर्स अगर किसी बिजनेस का मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे वो बिजनेस से बड़ा हो रहा है, वो ज्यादा बड़ा है एक कंपेयर टू द अदर बिजनेस जिसका मार्केट शेयर कम है, यानी कि एक बिजनेस का मार्केट शेयर 10% है
तो एक दूसरा बिजनेस है उसका मार्केट शेयर 5% है, तो हम कहेंगे जी 10% वाला बड़ा बिजनेस है। तो ये मेथड तो यही कह रहा है। अच्छा अब लेकिन इसमें एक फ्लॉ क्या है कि अगर दो बिजनेस जो हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हैं या डिफरेंट रीजन में हैं और वहां मार्केट शेयर कैलकुलेट किया जा रहा है, तो एक बिजनेस जिसका मार्केट शेयर 10% है वो मार्केट, मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझा देता कि हम ऐसे लेते हैं कि एक है ये बिजनेस, ये एक मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट ए है और एक ये मार्केट है, ये दोनों डिफरेंट रीजन में, ठीक है। तो अब इसमें एक बिजनेस है बिजनेस एक्स के नाम से, तो इसका जो मार्केट शेयर है ना वो 10% है और जो टोटल मार्केट शेयर हमें नजर आ रही है इस बिजनेस वो लेट से है हमारे पास 10 10 मिलियन डॉलर। इसी तरह ये बी है तो इसमें एक बिजनेस जो है वो वाई है और उसका जो मार्केट शेयर है वो 5% और इसकी जो टोटल मार्केट शेयर है टोटल ठीक है जी वो है जी 100 मिलियन। अब मार्केट शेयर के हिसाब से हमें लगेगा कि बिजनेस बी इज स्मॉलर बिजनेस कंपेयर टू बिजनेस ए, तो वो 5% है वो 10% है, लेकिन एक्चुअली बिजनेस बी की अगर हम आउटपुट निकालेंगे तो 100 मिलियन का 5% बहुत ज्यादा बनेगा कंपेयर टू 10% ऑफ 10 मिलियन। क्या ख्याल है? जी सर, अच्छा तो गुड, ये तो बात हमें समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि ये फिर मेथड हमें जो है वो सही गाइड नहीं कर रहा इन मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस। अच्छा एक और चीज भी, मार्केट शेयर हमेशा परसेंटेज में जो है ना वो सेल्स की नहीं, नहीं ये तो हमने सेल्स की बात कर ली ना, तो ये भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि आपके पास टोटल मार्केट सेल्स है लेकिन यूनिट्स, ठीक है, और वो है कितने यूनिट बिक रहे हैं। एग्जाम्पल है जी हमारे पास पर्सिया। अच्छा मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, वो है फॉर एग्जाम्पल जो चीजें दिख रही है ना वो है जी 200 मिलियन। ज्यादा हो गया, कम कर दिया, हम कह देते हैं चलें 1 मिलियन। 1 मिलियन चीजें बिक रही है, ठीक है, टोटल। तो बिजनेस एक्स जो है उसका, अब हम अगर निकालेंगे यूनिट्स में क्योंकि हमने सेल्स में नहीं निकालना, तो बिजनेस एक्स जो है ना वो 1 मिलियन में से बेच रही है 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन बेच रही है ये इसी में ही, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो इसका तो जो मार्केट शेयर है वो 50% के अराउंड आ रहा है, बल्कि यही आ रहा है। इसी तरह बिजनेस बी की बात कर लूँ तो वहां पे लेट से जो सेल हो रही है वो हो रही है 5 मिलियन, 5 मिलियन डॉलर कह रहा हूँ, 5 मिलियन की यूनिट में सेल हो रही है, और बिजनेस बी जो है उसकी जो सेल्स है वो है अराउंड, लेट से हम कर लेते हैं 1 मिलियन। फिर अब बिजनेस बी, अब और अगर आप करो तो वैसे अगर देखा जाए तो, अच्छा मैं इसको बल्कि ज्यादा कर लेता हूँ, 1 मिलियन की जगह पे मैं कर देता हूँ इसको 4 मिलियन। 4 मिलियन चीजें बिक रही है भाई, ठीक है। अब आप गौर करो तो रेवेन्यू सेल्स में तो परसेंटेज कम आ रही है, सेल्स में परसेंटेज कम आ रही है, ठीक है, सेल्स में परसेंटेज कम आ रही है बी की, लेकिन अगर मैं यूनिट्स में देखना तो क्या बी की परसेंटेज अब ज्यादा नहीं नजर आएगी, क्योंकि अगर हम 4/5 मिलियन करें तो ये 80% बनते हैं। ये बात समझ आ रही है, यानी कि यूनिट्स में परसेंटेज में नजर आ रहा है, अगर हम परसेंटेज भी देख लें, एक दूसरी बात बता रहा हूँ, तो एक्स की सेल्स में परसेंटेज 10% बन रही है, बी की 5% बन रही है, लेकिन जब हम यूनिट्स में मार्केट शेयर देखते हैं तो ए की परसेंटेज 50% बनती है जबकि बी की 80% बनती है। समझ आ रही है बात? अच्छा यस सर, एक मिनट, अच्छा जी तो ये आपको समझ आ जाने के लिए कि मार्केट शेयर को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक
सेल्स को बेस बनाकर, तो और दोनों में आपका एक मिनट कभी छोटा हो रहा है कभी एक बड़ा हो रहा है। दूसरा भी मैंने आपको जो फ्लॉ बताया था पहले कि एक बिजनेस की मार्केट सेल ही कम है, तो उसका मार्केट शेयर तो ज्यादा ही आ रहा है। दूसरी बिजनेस का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, तो अगर वो ज्यादा भी बेचती है फिर भी उसका मार्केट शेयर रिलेटिवली कम ही नजर आ रहा है, जबकि वो बिजनेस बड़ा है। अगर आपको क्लैरिटी आ गई है इसमें, है ना? यस सर, ओके। अच्छा, फिर व्हाई डू सम बिजनेसेस स्टे स्मॉल, ये पेपर में सवाल आया हुआ मैंने देखा है, क्यों स्मॉल रहते हैं? तो मार्केट साइज स्मॉल, मैंने आगे बैक में लिख दिया है, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर ही कम है। तो अगर नंबर ऑफ कस्टमर कम है तो बिजनेस से बड़ा होकर करना क्या है? बड़ा हो गया, आउटपुट ज्यादा बना ली, वो बिकनी नहीं है, तो उसका फायदा, देयर इज नो यूज। तो उसके कस्टमर तो फिर कम है, तो फिर वो बिजनेस के साइज को भी छोटा ही रखेगा ऑफ कोर्स। लेकिन अगर कोई बिजनेस साइज में छोटा है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो बिजनेस प्रॉफिट कम कमा रहा है। हो सकता है वो बहुत एक्सपेंसिव आइटम बनाता हो और उस पर प्रॉफिट बहुत होता हो, लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर उस मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम को बाय करने के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट उसको फिर भी हो रहा है। समझ आ रही? जी सर, अच्छा, इसी तरह ओनर्स फाइंड इट इजियर टू मैनेज अ स्मॉल बिजनेस। ओनर को लगता है कि बड़ा बिजनेस होगा तो मुझे मैनेज मुझसे नहीं होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो एक ये वजह भी हो सकती है। और ओनर्स को छोटा ही रखना चाहता है कि भाई वी वांट टू यूज आवर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, और अगर हमने कोई ब्रांड इमेज मेंटेन किया हुआ है तो हमें उसे मेंटेन करना चाहिए। इफ वी गेट बिग वी माइट नॉट बी एबल टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी, जो भी आप सर्विस या जो गुड ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें इमेज खराब होने का चांस है। और उसमें ये भी है कि बिजनेस बड़ा होने के बावजूद फ्लॉप हो गया और छोटा होने के बावजूद चल रहा है, तो वो ये वाला जो एक ओनर को नजर आ रहा है रिजर्वेशन है, उस वजह से वो ओनर कीप्स इट स्मॉल। फिर टू अवॉइड कंपटीशन एंड अर्न सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स बाय टारगेटिंग अ निश। अच्छा, ये 1 मिनट आपको ना एक दोबारा लगना पड़ेगा, प्रॉब्लम। ओके मरियम, सॉरी फॉर द डिले, वो बस हो जाता है ना घर में बच्चे उनको फिर बाद का मैनेज करना पड़ जाता है। एनीवे, तो अवॉइड कंपटीशन एंड अर्न सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स बाय टारगेटिंग एंड निश। अभी निश से आप वाकिफ हो अच्छे से, क्या होती है निश? सर स्मॉल एंड स्पेशलाइज पार्ट ऑफ अ बिगर मार्केट. एग्जैक्टली, दिस में ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि लार्जर फर्म दे डू नॉट वांट टू एंटर दैट मार्केट सेगमेंट, क्योंकि उसमें कस्टमर्स कम होते हैं और उन्होंने लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना होता है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करनी होती है, तो वो फिर जस्टिफाई नहीं होता एक बहुत स्मॉल आउटपुट प्रोड्यूस करना यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। तो यस, उसमें कंपटीशन नहीं होता तो वो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वहां कमा सकते हैं, कभी ज्यादा भी हो सकता है। तो एक ये वजह है कि वो छोटे ही रहते हैं, वो ऐसी निश जब पकड़ेंगे तो निश में प्रॉफिट है और कंपटीशन नहीं, और वो उसको मजीद एक्सपैंड करना नहीं चाह रहे, क्योंकि एक्सपैंड करने का तो मतलब है निश से बाहर जाना चाह रहे हैं आप। या अगर निश में रहना है तो ऑफ कोर्स फिर निश में तो आपने जितने आपके पोटेंशियल कस्टमर थे उनके हिसाब से आपने उन्हीं की नीड्स को केटर करना है ना। अच्छा, फिर व्हेन नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज सच। अच्छा, ये देखो इन दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है। ये वाला जो पॉइंट है इसमें भी कस्टमर तो कम है, लेकिन आपने इंटेंशनली चूज कर लिया एक सेगमेंट जो कि जिसमें नंबर ऑफ कस्टमर कम है। ये जो पहला पॉइंट है इसमें मार्केट में कस्टमर ही कम है, तो उसका मतलब है कि आप फिर ऑफ कोर्स बिजनेस को एक्सपेंड कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, किसी भी सूरत में। ये जो हमने कहा है यहाँ तो आप कर सकते हैं लेकिन आप करना चाह नहीं रहे, इस वजह से कि आप कह रहे हैं यार यही यहाँ इजियर टू सर्वाइव है तो यही रहो। अच्छा, फिर When nature of product is such that everyone wants the product according to his own requirements, और इसको हम क्या बोलते हैं असल में, ये हमने पढ़ा हुआ है बिजनेस के अंदर, ये कौन सा जॉब मेथड? प्रोडक्शन. वेरी गुड जी, जॉब प्रोडक्शन। ये लग रहा है अब आपने स्टार्ट लिया बिजनेस में। अच्छा, तो बिल्कुल जॉब प्रोडक्शन। तो जॉब प्रोडक्शन में जब आपको हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाना है तो यू कैन नॉट ऑपरेट ऑन अ लार्जर स्केल, क्योंकि अगर आपके थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं तो हर एक को अलग अलग चीज बनाकर कैसे दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए फिर इसमें आप अपने बिजनेस स्मॉल रखते हैं ताकि आप वो जो वर्कर्स हैं उनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। अच्छा, और ऑफ कोर्स टू मेंटेन योर इमेज। अच्छा, और फिर उसके बाद लिमिटेड कैपिटल, आपके पास पैसे ही नहीं है, या आप फाइनेंस अरेंज नहीं कर सकते, या आपके पास है नहीं, तो आप
बिजनेस के साइज को फिर स्मॉल ही रखेंगे, लार्ज नहीं कर सकते, तो ये रीजंस। और इसी तरह न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे आजकल इंटरनेट आया हुआ है, तो अब हैज रिड्यूस द स्केल ऑफ प्रोडक्शन नीडेड एंड इवन अ स्मॉल फर्म कैन हैव कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको स्केल बड़ा वाला, आपको ढेर सारी ब्रांचेस की जरूरत नहीं है, वो भी तो स्केल में ही आ रहा है ना। आपने हर एरिया में एक ब्रांच खोली है, और जरूरी नहीं है क्योंकि आप अक्रॉस द ग्लोब ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपका आपका जो आपकी जो बेस है वो एक ही जगह पर है, लोकेटेड एक ही कंट्री में है, एक ही रीजन में है, एक एजी में, और वहां ही आप कांटेक्ट कर पा रहे हैं सारे से डिफरेंट सप्लायर्स को भी, कस्टमर्स को भी, तो वो आपके लिए अडॉप्टी के लिए है। इसमें आपको मैं कंपनी नहीं आती है, आपको ज्यादा लैंड नहीं चाहिए, ज्यादा लेबर नहीं चाहिए, कैपिटल नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स आप एक ही अगर जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये इंटरनेट से ये फायदा हो गया कि यू कैन एक्सेस एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड बाय लोकेटिंग योरसेल्फ एट जस्ट वन प्लेस। ठीक हो गया ना ये भी। तो आगे अब चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फर्म्स। तो अब उसमें पहला हमारे पास क्या नजर आ रहा है, इजियर टू सेटअप, तो वो तो हमें नजर ही आ रहा है, ड्यू टू लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, लोअर रेंट है, ओइंग टू स्मॉल प्रीमिसेस, ग्रांट्स और सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा, अब तो इजियर टू सेटअप है और हमने रीजन भी लिख दी है कि क्यों सेटअप आसान है। अच्छा, तो सेटअप इजियर ना हो तो प्रॉब्लम क्या आती है? बताओ। सर, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, वो तो होगी, बिल्कुल सही है। दूसरा, जब आप सेटअप करते हैं ना, तो सेटअप करते हुए आपकी कॉस्ट लग रही होती है, वही बात, ब्रेक इवन तो नहीं आया होता ना। तो जितना सेटअप पे ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा कॉस्ट लगेगी, उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा इन द फर्स्ट ईयर टू सर्वाइव। और जितना आपके लिए इजियर टू सेटअप, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज कम है, तो आप जल्दी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि पैसे लग रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज भी दे रही है बीइंग अ स्मॉल बिजनेस, आपका रेंट भी कम है, तो आपके लिए पहले साल सर्वाइव करना मुश्किल नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी सेल्स ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन चूंकि आपकी कॉस्ट कम है और दूसरा आपने सेटअप करके फौरी तौर पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो सेल्स तो एटलीस्ट स्टार्ट हो गई ना, कंपेयर टू के सेल्स बिल्कुल जीरो पे खड़ी हो। तो इसलिए आपका वो इनिशियल ईयर में जो ट्रबल बिजनेस होती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, दे फेल टू सर्वाइव, तो वो नहीं फेस करना पड़ता। अच्छा, इसी तरह पर हमारे पास मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी एक फायदा है, क्योंकि आपका एम्प्लॉय से क्लोज कांटेक्ट रहता है और एम्प्लॉय की जो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं आप सॉर्ट आउट करते रहते हैं, यू नो एम्प्लॉय पर्सनली, तो एम्प्लॉय जो है ना वो, उनको एक ऑनर महसूस होता है कि दे हैव अ वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो दे आर रिस्पेक्टेड एंड देयर इंपॉर्टेंस इज पिवोटल टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजर उनको रियलाइज करवाता है ये। तो ये एक फायदा है। तो और मोटिवेटेड एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, पर्टिकुलरली इफ दे आर सर्विंग कस्टमर्स, जैसे कि कोई टर्शरी सेक्टर बिजनेस है, कोई बैंक है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहां पर तो एम्प्लॉय बिकम वेरी क्रूशियल, क्योंकि प्रोडक्शन में तो चलो आपकी आपका वेस्ट हो गया, फाइन, आप रीवर्क कर सकते हैं, कॉस्ट जरूर बढ़ जाएगी, बट इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर बिजनेस वेयर वर्कर्स डायरेक्टली डील विद कस्टमर, वो आपके विजिटर्स या जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, तो वहां पर तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, बैड इमेज स्प्रेड हो जाएगा, तो वहां पर इमेज जो है ना लाइज इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, तो वहां पर मोटिवेटेड एम्प्लॉइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए। फिर सेटिस्फाइड, तो स्मॉल बिजनेस को ये एडवांटेज जरूर है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज आर ऑफर्ड, ये भी आपको समझ आती है, स्मॉल बिजनेस नॉर्मली जॉब प्रोडक्शन करते हैं और कस्टमर की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है और लॉयल्टी बढ़ती है। क्विक टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस हैपनिंग इन द मार्केट सच एज कस्टमर टेस्ट इनकम, क्यों बना स्मॉल बिजनेस क्विक टू रिस्पॉन्ड क्यों होते हैं, क्या रीजन है? बता दो क्या होता है। सर, शायद इसलिए क्योंकि उनका आउटपुट कम होता है, तो इस तरह से वो जल्दी चेंजेस ला सकते हैं प्रोडक्ट में। यानी कि उनका स्केल जो है ना वो छोटा होता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से उनको स्विच करना प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब अगर आपने एक आपका बड़ा बिजनेस है और आपने हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अब अगर आपने चेंज करना है
अकॉर्डिंग टू द चेंजेस हैपनिंग, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है। छोटे बिजनेस के लिए कम वर्कर्स, कम कैपिटल इक्विपमेंट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन छोटा, तो उसको चेंज करना रिलेटिवली आसान है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है ना? अच्छा, फिर यस एबल टू चेंज प्रोडक्शन मेथड्स ड्यू टू लेस कैपिटल इन्वॉल्व इन इट। हाँ, क्या कैपिटल नहीं होता ना, ये भी चलो ऑलमोस्ट उसी तरह की बात ही है कि जब आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन नॉर्मली स्मॉल बिजनेस नहीं करते, तो उनके लिए चेंज करना क्या मुश्किल है? ओनली थिंग दैट दे रिक्वायर वो है कि उनके वर्कर्स मल्टी स्किल्ड होने चाहिए, कि अगर एक प्रोडक्शन आप अपने आप नहीं करनी है, सीजन चला गया है या डिमांड चेंज हो गई है, तो आप उन वर्कर्स को यू कैन असाइन देम सम अदर टास्क, या उनको यू कैन मेक देम वर्क टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। मशीन में तो ये नहीं होता, दे आर स्पेशलाइज, तो फिर आप मशीन को चेंज कैसे करें किसी और चीज के प्रोडक्शन के लिए? और अगर आपने मल्टी क्या कहते हैं उसे, फ्लेक्सिबल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो दे आर टू एक्सपेंसिव टू बाय, जो एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना सके। तो फिर नुकसान को देख लें तो टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफन रन एंड मैनेज बाय ओनर एज अ सोल ट्रेडर, कॉन्ट्रेरी टू लार्ज फर्म्स वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड। नॉर्मली ये समझ आती है, मतलब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ भी मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो सवाल ये है तो उससे होता क्या है? ठीक है, होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या हुआ, आगे डेवलप कैसे करेंगे? सर स्लो डिसीजन मेकिंग, चांसेस ऑफ एरर. हाँ, ये स्लो डिसीजन मेकिंग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक ही बंदा अगर कर रहा है तो उसने तो अकेले नहीं डिसीजन लेना ना, कौन सा कंसल्ट करना है। लेकिन चांसेस ऑफ मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी, और उसमें मैनेजमेंट के इश्यूज भी आ सकते हैं। टू मच बर्डन विल बी ऑन द शोल्डर्स ऑफ द सोल ट्रेडर, हेल्थ कैन बी अफेक्टेड एज वेल, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा ना, वो तो सारे काम खुद ही करने हैं, हार्डली एबल टू टेक डेज ऑफ एज वेल, तो ये इस तरह से आ सकता है। अच्छा, लैक लैक एबिलिटीज टू टेक effective decisions, cannot hire expensive experienced managers contrary to large firms. और वो क्यों? उसमें of course चूंकि lack of funds की वजह से वो decision जो कि business को आगे मजीद successful कर सकते हैं, वो नहीं ले पाता, क्योंकि उसके पास resources, financial resources नहीं है, funds नहीं है, तो ये भी एक issue आ सकता है। फिर you will have a short life, क्योंकि normally आपको जैसे मैंने बताया भी कि अगर बिजनेस को थोड़ा भी लॉस हो गया है, या वो अभी फर्स्ट ईयर में आया है और उससे मैनेज नहीं हो रहा है, या सेल्स नहीं बढ़ रही और उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं, तो उसके पास तो ऑलरेडी फाइनेंस की शॉर्टेज है, तो वो फिर बिजनेस जल्दी ही वाइंड अप हो जाता है। और इवन कि अगर बिजनेस चल भी रहा है और उसको लॉस स्टार्ट हो गया है अर्ली ईयर्स में या बाद में भी, तो उसके लिए उसको मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि देर आर नो वन एल्स हु कैन बी एट दैट और शेयर दैट लॉस। फिर अनेबल टू रेज फाइनेंस, ये में चूंकि बात हो गई, ट्रेडिशनल मेथड से बैंक तो हेजिटेट करते हैं, लोन नहीं देते इसको। और क्यों नहीं देते लोन, क्या वजह भला? सर क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होती. सिक्योरिटी नहीं होती, वेरी गुड, इसीलिए वो ज्यादा रिस्की भी होता है, तो इसलिए उनको लगता है कि अगर ये नहीं पे कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल सही। फिर अनेबल टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल कॉन्ट्रेरी टू लार्ज फर्म्स, तो वो प्राइस पे भी कम्पीट नहीं कर पाते विद लार्जर बिजनेसेस। तो ये तो खैर आपको समझ आती है, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती है। ये हमने अभी इकोनॉमी ऑफ स्केल, हाँ बिजनेस में तो पढ़ा हुआ है ना, डेफिनेटली, या नहीं पढ़ा है ना? तो ये क्या होते हैं जी, सर्टन कॉस्ट एडवांटेजेस होते हैं विच आर एक्सपीरियंस बाय लार्ज बिजनेसेस। और जैसे कोई एग्जाम्पल दो जरा।